हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ लॉन्ग बीन्स की सब्जी और आलू, लॉन्ग बीन्स और आलू की सब्जी। तो मैं सब्जी काट रही हूँ। मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है, पूजा वगैरह भी हो गया है, सारा हो गया है। तो बस मैंने सोचा चलो सब्जी काट लेते हैं, फिर उसके बाद और फिर मतलब चाय भी बनाऊंगी। अभी चाय भी बनाने पी नहीं है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर क्या करते हैं, पहले सब्जी काट लेते हैं। तो चाय चढ़ा के मैं सब्जी काट लेती हूँ, तो ताकि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और आलू तो इकट्ठे मतलब थोड़ा ज़्यादा आ जाता है आलू, जैसे कि 2 किलो या 3 किलो, कभी 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 तो 5 किलो भी आ जाता है, तो इसीलिए। और फिर ये देखे, तो फिर मैं मतलब कि सारा कुछ, ये देखिए मैं आलू भी छील ले रही हूँ और कट कर रही हूँ। और मैं बोल रही थी कि इतना कुछ करने के बाद भी बुरा ही मिलता है सुनने को, और बुरा ही मतलब होता है। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, आप ही लोग बता दीजिए। और फिर आप लोग वीडियो भी मतलब देखते नहीं हो, वीडियो भी नहीं देखते हो, फिर मेरा कोई साथ भी नहीं देता है। फिर मैं अकेले तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आप लोग साथ नहीं देते हो। तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइए। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बताइए और कमेंट करिए और बोलिए कि क्या दिक्कत है। तो फिर मैं मतलब कि अकेले मैं सब कुछ कर लेती हूँ। देखिए मेरी सब्जी कट गई है और अब मैं क्या करते हैं, सब्जी को धो लेती हूँ, धो के या फिर सब्जी बनाते हैं। तो लॉन्ग बीन्स की भी सब्जी सूखी वाली ही बनाऊंगी। और इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ, तो चाय भी बन रहा है। बस आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए मॉर्निंग का। तो बस मॉर्निंग का तो मेरा सारा काम हो गया था, लेकिन और फिर बहुत आजकल गर्मी भी बढ़ गई है, तो सुबह में मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ और जल्दी उठ के सारा काम भी कर लेती हूँ। तो बस आप तो बस थोड़ा सा चाय पक जा रहा है, मतलब अच्छे से चाय जब तक खोलता नहीं ना, तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और इसी टाइम देखिए कितना धूप हो जाता है। मतलब अभी अभी कितने बज रहे होंगे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 8 बज रहे होंगे और अभी देखिए कितना धूप हो गया। तो वही मैं धूप दिखा रही थी। और फिर यहाँ मेरा मिट्टू भी नहा लिया है और थोड़ा शैतानी कर रहा था, तो वो भी दिखा दी थी। और मिट्टू का तो मस्ती चलते रहता है हमेशा। तो और अब मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, तो मैं जल्दी फिर आपके साथ मिट्टू का भी शरारत, मतलब हर वीडियो में तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती ही रहती हूँ। और मतलब कि हम लोग को बहुत प्यारा लगता है और बहुत लोग को भी प्यारा लगता होगा, क्योंकि जो मतलब कि जिसको पेट वर्ड अच्छे लगते हैं, तो हम लोग को तो हम लोग के घर में तो मिट्टू ही है, तो सारा काम ही पूरा कर देता है हमारा। और बस हम लोग का छोटा सा घर में उसके लिए मतलब कि कोई बड़ा पेट तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा वाला तो हम लोग ला सकते हैं। और फिर देखिए मैं हमेशा खुश रह के ही मतलब रहती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब किया करिए। और ये देखिए मेरी सब्जी में मसाले वसाले डाल दी हूँ, अब टमाटर डाल रही हूँ। ये देखिए टमाटर भी डाल दिया है। और हमेशा आप लोग देखते ही होंगे कि मैं खुश रहती हूँ, बस जितना है उतने में भी खुश रहना चाहिए, और जब होना होगा तो फिर हो जाएगा, इसमें क्या है। और फिर क्या करें, जितना मतलब जितना आप लोग और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये देखें, ये मतलब मेरी सब्जी तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, भुन गया है अच्छा से। तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ, पानी डालने का होगा तो डालूँगी, नहीं तो फिर इस तरह इसे भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। और टमाटर वमाटर प्याज व्याज सब मैंने डालना है इसमें, और सारा जो मसाला रहता है मतलब रोज का, तो वही सब डाला है। और अकेले मैं सारा कुछ करती हूँ, वीडियो का मतलब सब कुछ, तो थोड़ा सा तो मतलब कि लगता ही है मेहनत वगैरह, तो इसीलिए। और मेहनत टाइम निकाल निकाल के घर के काम करती हूँ, और फिर उसके बाद मतलब ये सब देखिए हो गया, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और घर के काम से समय निकाल के फिर मैं ये सब करती हूँ, और फिर एडिटिंग वगैरह भी मैं कर लेती हूँ, अब थोड़े थोड़े मैं सीख ली हूँ। और फिर उसके बाद मतलब कि अकेले ही सब कुछ करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी मेरे लिए।
लेकिन फिर भी कर लेती हूँ चलो। और कैसा लगा आप लोगों को, तो और फिर मैं मतलब कि चावल बना रही हूँ, तो फिर उसके बाद रोटी पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल बनाती हूँ, तो एक और फिर सब्जी भी बना रही थी, तो एक साथ मतलब जितने काम हो सकते थे तो मैंने कर लिया है। और फिर ये देखिए मैं कर रही हूँ, चावल भी बन जा रहा है, और चावल बनने के बाद सब्जी तो बन ही गया है और रोटी भी बन गया है, तो फिर अभी हम लोग चावल और सब्जी और थोड़ा दाल बना लेंगे तो हो जाएगा, तो मैं दाल भी बनाऊंगी। और ये देखिए मेरा चावल तो बन रहा है, और बर्तन जितने नाश्ता का जितना भी बर्तन रहता है वो सब मैं मतलब कि करते रहती हूँ, धोते रहती हूँ, रखती हूँ, जमा नहीं करती हूँ, तो ऐसे करने से ठीक रहता है, मतलब थोड़ा हल्का हो जाता है। और अभी मैं थोड़ा बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, तो बेडशीट मतलब गंदा तो नहीं हुआ, लेकिन गर्मी में थोड़ा पसीना वसीना कराता है, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ, जैसे कि थोड़े थोड़े दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे हफ्ता में दो बार ही चेंज करती हूँ, इतना जल्दी जल्दी भी नहीं कर देती हूँ, और झाड़ दे रही हूँ थोड़ा। और ये गंदा है ना, इसका खोल भी हम लोग लगाए थे, तो इसका खोल अभी धो दिए थे, और फिर उसके बाद मुझसे लगता नहीं है तो इसीलिए पड़ा हुआ है, और फिर मैं इसका खोल भी लगाने वाली हूँ जल्दी ही, तो अभी इसी तरह है। और देखिए चादर मैंने बिछा दे रही हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद दूसरे काम भी है बहुत सारे, तो चादर बिछा के, और ये देखिए चादर मतलब कि बिछा दे रही हूँ ताकि अच्छा लगता है, धुला हुआ चादर बिछ जाता है। फिर आप लोग से बातें करते करते देखिए मेरी बेडशीट भी चेंज हो गई है, तो बस आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो का देखिए और सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो, और सब चैनल वालों को तो सपोर्ट करते हो तो मुझे क्यों नहीं करते, मुझे भी करिए। और अब बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो पूरा देख लीजिए, तो बस आप ज़्यादा कुछ तो नहीं है, और आप देखिए कितने मतलब कितने अच्छे से मैंने बेडशीट दोस्तों, तो आज मैं मतलब कि एक बहुत हादसा होते होते बच गया, तो आज बहुत बड़ा एक हादसा मतलब हो जाता लेकिन बच गया। तो आज मैं ना दोपहर में चावल बना रही थी, मतलब कि भात, तो उसको हम मतलब माड़ पसा रही थी, तो आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो माड़ पसाना ही बोलते हैं, तो माड़ पसा रही थी, तो उसका पानी पूरा मेरे हाथ के ऊपर गिर गया, और मेरा हाथ मतलब जल थोड़ा सा जल भी गया है, तो ज़्यादा तो जला नहीं, फिर उसके बाद मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई मेरा हाथ, फिर मैं किसी तरह से चावल मतलब हो गया था तो मैं पसा के और फिर रख दी थी, लेकिन हाथ तो जल गया था, तो बस इसमें ये देख के और पूरा लाल पड़ गया था एकदम लाल, तो मैं अच्छे से नहीं दिख पा रहा हुआ शायद, लेकिन हाथ में पूरा मतलब लगा गया था बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि इसमें मैं कुछ लगाई थी लेकिन ये था नहीं, बोरोलिन या कुछ भी जो होता है वो सब नहीं था, तो बस मैं बोरो प्लस वगैरह लगा ली थी, जो था वही लगा ली थी, और पानी से मैं तुरंत धो भी ली थी, लेकिन फिर भी लाल पड़ गया था पूरा लाल, और फोका भी हो गया था, मतलब फूला फूला हो गया था, जो मतलब फोका बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो भी हो गया था, तो मतलब क्या करें अब, मतलब पूरा लहर रहा था, उसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह तो बिल्कुल नहीं बनाया, और अभी भी बहुत लहर रहा है, तो दवाई फिर मतलब कुछ वही कुछ दवाई मंगाए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा भी कम है, फिर मैं बर्फ़ भी लगाई और मिट्टू का तो कुछ कह नहीं सकती, ये तो जब बोलती हूँ तो मना करता है, और आज मतलब ऊपर वाला साईं बाबा बता लिए हैं, तो ओम साईं राम। और बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता था, तो लेकिन बच गया, लेकिन हो सकता था, और ये मतलब इसे मजाक में, और ये सब काम घर के काम करने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, तो आज इसीलिए मैंने फिर उसके बाद ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, तो आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है, तो चलिए ठीक है, आज तो मूड ख़राब हो गया, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चलिए पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर,
और क्या बताऊं, बहुत जलन भी हो रहा हाथ में, लेकिन क्या बताऊं, अब चलिए ऊपर वाला साथ देने वाला खड़ा है तो फिर क्या करें।